हाय गाइस, कैसे हैं आप सब? तो स्वागत है आपका हमारे इस चैनल के अंदर। आज अपने जो चीज डिस्कस करने वाले हैं दैट इज मल्टीप्लिकेशन। आप नॉर्मल जो मल्टीप्लिकेशन करते हैं उसके अंदर आपको क्या टेक्निक यूज करनी है जिससे आप नॉर्मल गुणा को काफी फास्ट मेथड से कर सकते हो। और जब भी अपनी कैलकुलेशन करते हैं तो सबसे बड़ी दिक्कत रहती है मल्टीप्लिकेशन के अंदर, वो होती है कैरी। जो आप हंसिल बनाते हो उस हंसिल को याद रखना पड़ता है या हमें साइड में लिखना पड़ता है ताकि प्रॉपर वे में अपनी कैलकुलेशन टारगेट हो सके। तो आज मैं आपकी जो कैरी की प्रॉब्लम है इसे रिमूव करने वाला हूँ। किसी ने बड़ा खूब कहा है कैरी इज वरी इन मैथ्स। तो ये जो कैरी की वरी है आज अपने रिमूव करने वाले हैं। इसे कैसे रिमूव करना है इसे अपने समझते हैं। अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आगे बढ़ने से पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल बटन जरूर दबाइएगा ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट्स साथ के साथ मिल सकें। तो आइए शुरुआत करते हैं। आप जनरली जब कोई कैलकुलेशन करते हो तो अपने जो बेसिक पुराना ओल्ड मेथड है जो अपने यूज़ करते हैं, पहले मैं उससे करके बताता हूँ, देन आपको मैं अपना मेथड करके बताऊँगा ताकि आप उसे काफ़ी जल्दी कर सकें। तो देखिएगा, मैंने एक नॉर्मल कैलकुलेशन लिखी 4576, इसका आपको मल्टीप्लीकेशन करना है 8 से। तो अपने किस तरह से करते हैं, सबसे पहले अपने 8 का इस 6 से गुना करते हैं। 8 6 48, आंसर मेरी 4, इसे मैं साइड में लिख लेता हूँ। देन उसके बाद 8 7 56, 56 और 4 आपके 60, आंसर मेरी आ गई 6। देन 8 5 40, 40 6 46, आंसर मेरी 4। देन 8 4 32, 32 और 4 आपके पास 36, दैट इज योर रिक्वायर्ड आंसर। तो स्टूडेंट्स, कहीं ना कहीं सबसे बड़ी दिक्कत क्या होती है यहाँ पे, जब मैं कर रहा था मुझे भी होती है और जनरली काफ़ी स्टूडेंट्स के साथ ये दिक्कत रहती है कि ये जो आपकी कैरी है ये अपने को माइंड में रखनी पड़ती है। ज़रूरी नहीं है कि आप इसे लिख कर करो, आप इसे साइड में लिख कर भी कर सकते हो और इसे माइंड में स्टे करके भी रख सकते हो। और अगर कभी कैलकुलेशन के अंदर ये माइंड में आने वाले नंबर्स अगर कहीं रिमूव हो जाएं या आपने भूल जाएं तो अपनी सारी कैलकुलेशन दिक्कत में आ जाती है, कहीं ना कहीं वो गलत हो जाती है और दूसरी बात अपना कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस नहीं बन पाता। तो अपने आज एक ऐसे मेथड को मैं अभी फॉलोअप करवाने वाला हूँ जिससे आप इसके अंदर मैक्सिमम आप फास्ट कर सकते हो, दूसरी बात आपको कभी गलती भी करने के चांसेस नहीं मिलेंगे कि आपका ये क्वेश्चन करते वक्त गलत हो जाए। तो ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट्स, अब करना कैसे है। मेरी जो मैथ्स है वो उसके अंदर आपको कुछ नया मिलेगा और मेरा टारगेट यही रहता है कि ऐसे कॉन्सेप्ट को यूज़ किया जाए जिसको सीखना आसान हो, जिससे अपनी मैथ्स आपकी जो कैलकुलेशन है या मैथ्स है वो जल्दी भी टारगेट हो जाए। तो मुझे करना क्या है, जनरली अपने जो कैलकुलेशन शुरू करते हैं वो इधर से करते हैं, लेकिन अब से आपको इधर से कैलकुलेशन नहीं करनी, आपको कैलकुलेशन करनी है उल्टी डायरेक्शन से। जब भी आप कैलकुलेशन उल्टी डायरेक्शन से करोगे तो आपकी जो हंसिल है वो आपकी यूज़ हो जाएगी आपके कैलकुलेशन के अंदर। आपको उसे साइड में लिखने की जरूरत नहीं है, वो आपके एडिशन के अंदर आ जाएगी और आप उसे डेफिनेटली बहुत फास्ट तरीके से कर सकते हो। ध्यान दीजिएगा कैसे करना है, आपको सबसे पहले इधर गुना करना है 8 चौका 32, आपने लिखा 32। देन इसके बाद आपको अगला गुना करना है 8 5 40। अब ये जो 40 आया आपका, जब 8 का आपने 5 से गुना किया 40 आया, इसको लिखने का पैटर्न है। आपको इसे क्या करना है, इस तरह से लिखना है कि आपका ये जो जीरो है, ये जो यूनिट प्लेस का डिजिट है, ये तो जस्ट यहाँ पर आ जाए। उसके साथ जो भी वैल्यू होगी, यहाँ पर 40 है, इसके अलावा अगर कोई भी वैल्यू होती, इसके साथ यहाँ पर 4 आ रहा है तो आपको इसको साथ वाले के ऊपर लिख देना है 40। दिखने में आपको वैसा ही दिखेगा 4 और 0। देन नेक्स्ट 8 7 56, देन 56 में भी 6 को तो आपको नीचे लिखना है और इस 5 को साथ वाले के ऊपर लिखना है। देन 8 6 48, 48, तो इसमें 8 को यहाँ नीचे लिखना है और 4 को आपको यहाँ लिखना है। देन आपको इसका जोड़ कर देना है, आपका आंसर रेडी है। यहाँ पर आपका आ गया 8, 8 और 4 6 और 4 10, आपके आंसर 1 6, 4 और 2 6 3, आपका वही आंसर आ चुका है। अब मैं इसको आपको यूज़ करके बताता हूँ एक क्वेश्चन के ऊपर ताकि आप देख सके कि ये कैसे फास्ट होता है और मैं प्रॉपरली फिर उसको आपको समझाऊंगा। ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट्स, नेक्स्ट जैसे मैंने क्वेश्चन लिया अपनी तरफ से कोई भी कैलकुलेशन, 7 9 6 5 × 9, मुझे ये करना है। तो देखिएगा, इधर से शुरुआत करनी है, 9 7 63, 9 9 81, 9 6 54, 9 5 45,
ये अपनी कैलकुलेशन हो चुकी है, 5, 4 और 4 8, 5 और 1 6, 8 और 3 11 और आपका 7, दैट इज योर रिक्वायर्ड आंसर। तो सुन, देखो जब ये मैंने किया, क्या कोई माइंड पे प्रेशर आया कैरी का या अदर कोई बात? नहीं, आपको सिर्फ लिखते जाना है और आपका रिक्वायर्ड आंसर रेडी हो जाएगा। ये सिर्फ मैं शुरुआत कर रहा हूँ मल्टीप्लीकेशन की, मल्टीप्लीकेशन आपको टॉप लेवल तक कैसे करना है मैं सारी वीडियोज़ उसकी अपलोड करूँगा। आपको इन वीडियोज़ को प्रॉपर ऑब्जर्व करना है और आप यकीन मानिएगा आपकी कैलकुलेशन बहुत फास्ट हो जाएगी अगर आप इन वीडियोज़ को प्रॉपर देखते हो। तो चलिए अब देखते हैं कि ये ट्रिक कहाँ कहाँ पर अप्लाई हो सकती है। तो यहाँ पर मुझे देखना है कि जिस भी संख्या का पहाड़ा आपको आता है वहाँ पर आप ये चीज़ अप्लाई कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूँ, यहाँ पर मैंने एक वैल्यू लिखी 6547, इसका मैंने मल्टीप्लीकेशन किया 12 से। तो आपको अब करना क्या है, वही 12 का पहाड़ा आपको आना चाहिए, 12 का टेबल आपको इधर से शुरू कर देना है। 12 6 72, देन उसके बाद 12 5 60, 60 में वही 6 और 0, देन 12 4 48, 4 और 8, 12 7 84, 8 और 4, आपको इसे जोड़ना है, 4 8 और 8 16, यहाँ पर आ गया 5 6 और 2 8 7, आपका रिक्वायर्ड आंसर रेडी है जो आपको निकालना था। तो फ्रेंड्स काफ़ी आसान है, इससे आप वो सारे गुना कर सकते हैं जिस भी टेबल का आपको पहाड़ा आता है, आपको कोई कैरी याद करने की जरूरत नहीं है। और मैंने जो यहाँ पर आगे कैलकुलेशन कवर करवाऊंगा वहाँ पर मैक्सिमम वे में ऐसा ही होगा कि आपको कैरी याद नहीं रखनी पड़ेगी। कोई भी बड़े से बड़ा कैलकुलेशन, 11 से गुना आप करते हो, 111 से आप गुना करते हो, 99 999 से गुना करते हो, 555 555 से आप गुना करते हो, या फिर आप नॉर्मल कोई भी रैंडम वैल्यूज़ का गुना करते हो, 2 डिजिट की हो, 3 डिजिट की हो, किसी में भी आपको हंसिल याद रखने की जरूरत नहीं होगी। आप हर एक फॉर्मेशन को कवर अप कर पाओगे, वो भी मैं सारी वीडियोज़ अपलोड करने वाला हूँ, तो उन्हें भी वॉच आउट कीजिएगा। थैंक यू स्टूडेंट्स।